लखीसराय में बाढ़ का कहर जारी है और लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। और अभी हम हैं बरहिया के खुशहाल टोला में। लगातार यहां पर जो है गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और आलम यह है कि लोग जो है अब जो जिला प्रशासन के द्वारा जो बाढ़ राहत शिविर चलाया जा रहा है उसमें रहने को मजबूर है। राकेश हमारे साथ हैं, लगातार ये न्यूज़ 18 के माध्यम से ज़िले में जो क्या है बाढ़ की स्थिति वो खबर न्यूज़ 18 के माध्यम से ये लोगों के बीच ला रहे हैं। और ओवरऑल क्या स्थिति है बाढ़ की लखीसराय ज़िले में वो हम इनसे जानते हैं। राकेश, आप लगातार कवर कर रहे हैं, क्या स्थिति है बाढ़ की लखीसराय में? जी देखिए, बिल्कुल संजीव, लखीसराय का बरहिया प्रखंड और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव जो है बाढ़ के चपेट में, खासकर टाल और दियारा इलाका। और जिस अभी हम जहां खड़े हैं खुशहाल टोला है, जबकि यह बरहिया नगर पंचायत के अंदर है। यहां आप देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर जिला प्रशासन के द्वारा जो शिविर चलाया जा रहा है उसमें रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बरहिया प्रखंड में तो शिविर चल रहा है जिससे लोगों को थोड़ा बहुत राहत है। लेकिन संजीव, अगर हम पिपरिया प्रखंड की बात करें तो वहाँ दो दर्जन से अधिक गांव के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हर एक लोगों के घर तक पानी पहुँचा है, कई सड़कों पे पानी है, कटाव हो गया है, आवागमन बाधित है। लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से तैयारी करने की बात कर रही थी, लगातार बैठक किया जा रहा था मुख्यालय से भी, सरकार के तरफ से भी लगातार जिला प्रशासन को बाढ़ की तैयारी को लेकर जो निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन समीक्षा बैठक किया जा रहा था लेकिन जितना दावा किया जा रहा था वह जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। बाढ़ पीड़ित लगातार परेशान है। कल मैंने खुटहाडी पूर्वी में गया था, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ काफ़ी लोग एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, थोड़ा तस्वीर भी आप उधर दिखाते हैं, मध्य विद्यालय में लोग विस्थापित होकर रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे मैंने देखा, उन लोगों का कहना था कि ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी उन लोगों को मदद पहुँचाने नहीं आए हैं। दो दिन से, जैसा कि उन लोग बाढ़ पीड़ितों का दर्द मैंने सुना, तो दो दिन से वो लोग भूखे प्यासे हैं, उनकी शुद्धि लेने कोई भी बड़ी अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। पशुपालक काफ़ी परेशान हैं, पशु चारा की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से साफ तौर पे जो आकलन है, जो जिला प्रशासन का दावा है वो खोखला है संजीव। बिल्कुल राकेश, आप पथुआ भी गए थे, पिपरिया प्रखंड का वो इलाका है, सबसे लास्ट गाँव है वो, और दियारा क्षेत्र है वो, जलकैदी की तरह वहाँ पर लोग बताया जा रहा है कि क्योंकि पूरा वो जो गांव है जलमग्न हो चुका है चारों तरफ से, वहाँ की क्या स्थिति? देखिए, स्थिति इतना भयावह है कि लोग जल कैदी बने हैं और अपने ऊंचे स्थान से राह देख रहे हैं, गंगा नदी पे देख रहे हैं कि आखिर कोई आला अधिकारी आए जो उनकी मदद करें। लोग टक बड़ी आंखों से देख रहे हैं, खासकर मीडिया, हमें लगातार फोन आ रहा है बाढ़ पीड़ितों का, हर क्षेत्र से लोग बता रहे हैं कि इस तरह की परेशानी है, आना जाना दुबर हो रहा है। और गंगा क्यूल नदी और हरुअर नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है जिससे लोग काफ़ी भयभीत हैं। अभी जिला प्रशासन को तो हर जगह पे राहत शिविर कैंप, मेडिकल कैंप, नाव की व्यवस्था करें। देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर, तस्वीरों में देख सकते हैं, जान जोखिम में डालकर बाजार आने को मजबूर हैं। नहीं बाजार आएंगे तो आखिर खाएंगे क्या? इनके पास तो खाने का सामान भी नहीं है ज़्यादा। लोगों से भी जानते हैं, है 300 आदमी है, बीच में घेराल था, एक मला हमको ढुआ है और ढो करके बरहिया ब्लॉक में हम रह रहे हैं। अभी भोजन मिल रहा है, 1 बजे का मिलता है, 1 बजे के, 1 बजे फिर शाम में भी मिलता होगा, 1 बजे रात में, 1 बजे दिन में, 12 बजे कहिए, 1 बजे कहिए, मिलता है खाना। तो खाना पीना वहाँ पर मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है, हाँ खाना तो मिल रहा है बढ़िया से, लेकिन कुछ टाइम से खाना मिलता है तो हमको खाने में, हम घास भूसा चल जाते हैं। तो सुना आप संजीव, देखिए यहाँ बरहिया प्रखंड में बाढ़ राहत शिविर तो चलाया जा रहा है, लेकिन मैंने अभी भी वहाँ का रियलिटी चेक किया तो साफ तौर पे लोगों का कहना था कि 11 बजे भोजन दिया जा रहा है, फिर रात में दिया जा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी परेशान हैं, भोजन के लिए भी परेशान हैं, तो मुकम्मल तैयारी नहीं है जिला प्रशासन। लगातार हम लोग बाढ़ का कवरेज करते आ रहे हैं, 2016 में भी हम लोगों ने कवरेज किया है, इस बार का जो बाढ़ है इसको आप किस रूप में देखते हैं? कहा जा रहा है कि अचानक गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। देखिए, गंगा के जलस्तर में तो वृद्धि हो ही रहा था, लेकिन तैयारी की भी अगर बात करें तो सरकार से लेकर स्थानीय जिला प्रशासन लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे।
कि बाढ़ आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, किसी समय भी आ सकता है, लेकिन इसकी तैयारी पूर्व से होनी चाहिए। तो जिस तरह से सीएम लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम से, हर जिला के डीएम से बात कर रहे थे, और डीएम भी स्थानीय तौर पे ये दावा कर रहे हैं, आज भी दावा कर रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन आप देख ही रहे हैं ज़मीन पे क्या स्थिति है, बाढ़ पीड़ित कितने परेशान हैं, इनके दर्द को खुद हम लोग जब वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो समझ रहे हैं इनकी दर्दों को कि आखिर कितना परेशान है। ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक इनकी दर्द को देखना चाहिए था। तो राकेश थे, बता रहे थे कि जिले में बाढ़ की क्या स्थिति है, आगे आपको और भी दूसरे इलाकों में लिए चलेंगे और बताएंगे कि लखीसराय में बाढ़ की क्या स्थिति है और जिला प्रशासन की तैयारी किस हद तक चल रही है।